शिमला में बारिश फिर आफत बनने लगी है। शिमला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के चलते भट्टा कोफर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के नाले का सारा मलबा सड़क पर आने से सोमवार देर रात से मंगलवार दोपहर तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से कई वाहन फंस गए थे। इस मलबे में सेब से लदा एक ट्रक भी फंस गया था, जिसे जेसीबी व क्रेन की मदद से निकाला गया। भट्टा कोफर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास मार्ग अवरुद्ध होने से प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया। इस सड़क से गुजरने वाले वाहनों को संजौली ढली बाईपास लक्कड़ बाजार होकर भेजा गया। हालांकि सुबह बारिश के थमने पर मार्ग बहाली का काम शुरू किया, मगर फिर से मूसलाधार बारिश शुरू होने के बाद ये मार्ग दोपहर तक बंद रहा, जिसके चलते इस मार्ग पर दोपहर 12:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। स्कूली बच्चों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन के साथ टेकचंद वर्मा की रिपोर्ट।